नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। पुलिस ने ऐसे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। एक ऐसा ठिकाना जहां पर खुलेआम लड़कियों का जिस्म बिकता था, जहां पर यह सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था, वो ठिकाना किसका था जब हम आपको बताएंगे तो आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। इस ठिकाने का पर्दाफाश पुलिस की टीम ने किया है और ऐसे खुलासे किए हैं जो चौंकाने वाले हैं। पुलिस के इस खुलासे के बाद हड़कंप मच गया है। दरअसल एक लड़की थाने में पहुंची और उसने आरोप लगाया कि एक महिला उसे प्रतापगढ़ लेकर गई थी और वहां पर दूसरे मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उस पर दबाव बनाती थी। जब लड़की ने ऐसा काम करने से मना किया तो महिला ने उस लड़की को जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, उस लड़की के साथ गाली गलौज भी किया गया। लड़की की शिकायत करने के बाद पुलिस ने छापेमारी कर कार्रवाई की तो पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस ने जिस ठिकाने पर कार्रवाई की वो सपा के पूर्व विधायक के बेटे का घर है। पुलिस सोच भी नहीं सकती थी कि विधायक के बेटे घर पे उसको कुछ ऐसा भी मिल सकता है जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच जाएगा। विधायक के बेटे के घर पर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था, यहाँ पर खुलेआम लड़कियों का जिस्म बेचा जा रहा था और किसी को कोई खबर नहीं थी। पुलिस ने 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है जो इस सेक्स रैकेट में शामिल थी। साथ ही पूर्व विधायक के बेटे समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जब पुलिस घर के अंदर घुसी तो वहां पर उसने जो देखा वो बयान नहीं किया जा सकता। सभी लड़कियां वहां पर संदिग्ध हालत में मौजूद थी। इस दौरान पुलिस ने पूछताछ की कि लड़कियां यहां पर क्या कर रही हैं तो कोई भी ठोस जवाब नहीं दे पाया। आपको बता दें कि पुलिस ने विधायक के बेटे के घर पर कोई पहली बार छापेमारी नहीं की थी। इससे पहले जब पुलिस ने उसके ठिकाने पर छापा मारा था तो वहां पर कुछ लोग जुआ खेलते हुए पकड़े गए थे। ऐसे में लड़की की शिकायत के बाद पुलिस ने जब फिर से छापेमारी की तो वहां पर देह व्यापार करने का मामला सामने। फिलहाल पुलिस ने विधायक के बेटे पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस वीडियो में इतना ही। खबर कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।